हेलो भाई, वेलकम टू स्टॉक ब्रोथ एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन ऑन बैंक निफ्टी पे चर्चा। तो जिस हिसाब की आज की ओपनिंग थी, सिमिलर ओपनिंग और सिमिलर लेवल के आसपास की ओपनिंग थी। कई सेशन से आपको बताते आ रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे स्ट्रांग सपोर्ट जोन है हमारा, वही जोन के आसपास आज की ओपनिंग थी। लगभग आज की ओपनिंग अगर आप देखो 43,200 इसी लेवल के आसपास, 43,100 जो कि कल का क्लोजिंग के आसपास की रेंज थी, मार्केट ने उसी रेंज के आसपास एक अपना एक ओपनिंग के साथ मार्केट ने सपोर्ट बनाया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, राइट। तो जिस हिसाब से आज की ओपनिंग थी, ओपनिंग के साथ एक अपना सपोर्ट के इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास आके मार्केट ने सपोर्ट ऐसी बेस बनाते हुए एक अच्छी खासी मूवमेंट में कंटिन्यू किया। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसको अगर जूम इन करूँ थोड़ा और स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर डाल दूँ तो ओके। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, काफ़ी अच्छा मोमेंटम था बैंक निफ्टी में, और जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग थी, जिस हिसाब से आज की ओपनिंग थी, लगभग हमारा जो लेवल था उसी लेवल के आसपास आज की ओपनिंग थी। कई सेशन से बताते आ रहा हूँ, कोई 43,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट तो इसको इसके पास पास आता है मार्केट अगर गलती से भी, तो आपको एक रिवर्सल फॉर्मेशन के साथ एक कॉल साइड की पोजिशन बनानी बनानी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बाइंग जोन की तरह एक्ट करेगा। और अब रही बात आज की, तो आज जिस हिसाब से आज मार्केट में बेस फॉर्मेशन हुआ है लगभग 43,200 के लेवल के आसपास, तो कल के सेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा हमारा 43,200 का लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो फिलहाल तो हम पॉजिटिव बोलेंगे, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज दे तो हमें 43,000 और 42,800 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के सेशन के लिए, 43,200 का लेवल। अब रही बात ऊपर की, तो मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया लगभग 43,500 के लेवल के आसपास। तो 43,500 हमारे लिए इमीडिएट तौर पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर कल के मॉर्निंग के सेशन में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है और ऊपर ट्रेड करता है तो हमें शायद तक 44,000 तक के लेवल हमें देखने कमिंग सेशन में, अभी कल के सेशन में देखने मिल सकते हैं। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। जब तक कि बैंक निफ्टी 43,500 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ ना दे तो हम पॉजिटिव व्यू बनाएंगे नहीं। जब भी 43,500 के लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो हम कॉल की डायरेक्शन में बैठेंगे। अगर मार्केट 43,500 के लेवल के आसपास वापस से एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए एक डाउनसाइड मूवमेंट देता है तो हमें उस हिसाब से अपने पुट की साइड में आपको बैठना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिस हिसाब से जो लेवल बन के आ रहा है, अक्सर अपर रेंज रहेंगी हमारी 43,500 की और नीचे की रेंज रहेंगी 43,200 का लेवल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा डाउनसाइड के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को भी नीचे ब्रेक कर जाता है तो 43,000 तक के लेवल हम कल के सेशन में देखने मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के सेशन के लिए। और जिस हिसाब से सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो पैटर्न फॉर्म हुआ था निफ्टी में, सिमिलर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे भी, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो शायद तक हमें अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा और जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाए तो उस हिसाब से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये लेवल को मार करके चलेगा। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई चार्ट के हिसाब से। अगर मैं डाटा के हिसाब से देखूँ तो डाटा यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 43,200 का लेवल एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अच्छा खासा पुट राइडिंग हो रखी है 43,000 के लेवल के आसपास, और जिस हिसाब से आज की कॉल वाइंड अप हुई है और कॉल ऐड हुए, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी कमिंग सेशन के लिए 43,200 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल माना जाएगा। अब मार्केट जब तक के इसके ऊपर है तब तक के हमारा व्यू पॉजिटिव बना रहेगा। अब उस हिसाब से अगर मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे जाता है और इम्पोर्ट इमीडिएट या फिर स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टर मार्केट फेस कर सकता है लगभग 43,500 का लेवल, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे तो हमें 44 तक के अच्छा खासा मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। अब रही बात नीचे की, तो मार्केट के इमीडिएट तौर पे सपोर्ट लेंगे मार्केट 43,000 का लेवल। अगर मार्केट इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाए तो 42,500 तक लेवल हम बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। देखिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी कल के सेशन के लिए। अब जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग है उसी लेवल के आसपास की क्लोजिंग हुई है, तो कल के सेशन में अगर गैप ऑफ ओपनिंग हो जाता है तो शायद तक हमें अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो ये लेवल सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मार्क करते चलेगा, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा। तो जैसे कि कई सेशन से बताते आ रहा हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, जहाँ पे हम आपको रेगुलर बेसिस पे ग्लोबल अपडेट होता है, अभी न्यूज़ होती है, अभी जो भी हमें ब्रेकआउट दिखता है चार्ट में वो आप हमें पोस्ट करता हूँ रेगुलरली, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। वो चैनल कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो आप उस हिसाब से उसको ट्रीट करिएगा।
सो डेट्स इट, थैंक यू, लेट्स सी यू टुमारो व्हाट्सएप।